हाय फ्रेंड्स, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का एक वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो बनने वाला है, क्योंकि आज हम कोई टूरिस्ट प्लेस पे आपको नहीं लेके जा रहे, ना ही आज हम कोई प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे। आज हम आपको एक ऐसी चीज के लिए लेकर आए जो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, और जो यहाँ पे वसई में है। ये जो एक आप बड़ा सा ग्राउंड देख रहे हो, आप देख सकते होंगे कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, और यहाँ पर ये स्पोर्ट एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है, जिसे कहते हैं पैरा मोटरिंग। आप मेरे पीछे पैरा मोटरिंग की ट्रैक देख सकते हैं, जिसको पैराशूट वाला ऊपर एक कैनोपी होता है, और उसके नीचे ये मोटर से चलने वाली ये ट्रैक है। ये जमीन से ही टेक ऑफ करती है, जमीन पे ही लैंड करती है, और ये एक्टिविटी यहाँ पर वसई में काफी समय से की जा रही है, लेकिन काफी कम लोगों को इसकी जानकारी है। और इसीलिए आज ये वीडियो हम बना रहे कि ये जो एक्टिविटी है ये क्या है, ये इसे कौन कंडक्ट करता है, और इसके चार्जेस क्या है, और अगर आपको इसे करना है तो अगर हॉबी के लिए करना है तो हॉबी के लिए भी कर सकते हो, या तो आप चाहे तो आप इसे सीख भी सकते हो अपने पर्सनली, और या तो आपको सिर्फ जॉय राइड करना है तो जॉय राइड भी आप ले सकते हो। तो ओवरऑल आज का इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं कि ये एक्टिविटी कहाँ पे होती है, किस तरह होती है, और कौन इसे कंडक्ट कर रहा है। हम आपको इनके जो मेन इंस्ट्रक्टर है उनसे आपको मिलाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे से वसई की ओर एक टर्न लेना है, और यहाँ पर आप अपने मैप पर पीर बाबा दरगाह यह लैंडमार्क डाल सकते हैं। हाईवे से ये लोकेशन करीबन 11 किलोमीटर दूर है। अभी हम जिस रोड पर है उसे सन सिटी गास रोड कहते हैं, और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में एक छोटा सा हिल देख सकते हो। आपको उस हिल की तरफ जाने के लिए एक कच्चे सड़क से होकर नीचे की तरफ उतरना है। आप जैसे ही उस सड़क से आगे बढ़ोगे, वहाँ से आपको फिर से एक लेफ्ट टर्न मारना है, जो कि रास्ता दरगाह की तरफ जाता है। आप जैसे ही दरगाह की तरफ पहुँचेंगे, आपको सामने की तरफ यहाँ पर इनका सेटअप नज़र आ जाएगा, जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ और इनकी पैरा मोटरिंग की वैन खड़ी होगी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको मिलवाने वाले हैं सैमसन डिसिल्वा जी से, जो कि इस एक्टिविटी के और इस कंपनी यानी कि स्पेस एप्पल के फाउंडर है, और यहाँ के चीफ इंस्ट्रक्टर भी है। तो अधिक जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। तो डिसिल्वा जी, प्लीज हमें इस एक्टिविटी के बारे में कुछ बताइए। वसई विरार एरिया में करीबन 1995 से 25 साल हो गए उसको, 95 से हम लोग ने पैरा ग्लाइडिंग का ट्रेनिंग सेंटर खोला है। okay. जहाँ पे हम लोग पहाड़ से उड़ते हैं उसको बोलते हैं फ्री फ्लाइंग पैरा ग्लाइडिंग। वो 3 दिन का एक बेसिक कोर्स होता है। वो 3 दिन के कोर्स में आप करीबन 5 से 6 सोलो फ्लाइट करते हैं पहाड़ से। तो ट्रेनिंग 3 दिन के कोर्स में हम लोग पहले दिन आपको बेसिक ग्राउंड ट्रेनिंग सिखाते हैं, कंसेप्ट सिखाते हैं, पैराशूट क्या चीज़ है और कैसे उसको कंट्रोल करना है, टेक ऑफ में क्या होता है, कितना दौड़ना पड़ता है और क्या होता है और कैसे टेक ऑफ होता है। फिर विरार ईस्ट में यहाँ पे शिरगांव करके एक जगह है, इसमें जहाँ पे थोड़े से पहाड़ है, 250 फुट से लेके करीबन 400-450 फुट का टेक ऑफ है, और वसई ईस्ट में जो तुंगारेश्वर पहाड़ है वो 2000 फुट का है। तो हमारे यहाँ पे 250 फुट से लेके 2000 फुट के पहाड़ है, जहाँ से हम लोग पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। तो 3 दिन के कोर्स में ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद, थोड़ा सा वीडियो और थियोरी सिखाने के बाद, आप पहाड़ पे जाके सेम चीज़ जो हम लोग ग्राउंड पे करते हैं वो ग्लाइडर उठाते हैं, कंट्रोल करते हैं, और थोड़ा सा भागने से एयरबोर्न हो जाते हैं। okay. जो हवा पहाड़ को टकरा के आती है और बाउंस होती है, अच्छा, वो लिफ्टिंग है, ऊपर जाने वाली है। तो हम लोग थोड़ा दौड़ेंगे, वो ऊपर जाने वाली हवा में हमारा टेक ऑफ हो जाता है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम हवा स्मूथ रहती है, दिन में जब भी गर्मी बढ़ती है तभी टर्बुलेंट होती है। तो नॉर्मली एक चीज़ हम लोग सुबह और शाम को करते हैं। सुबह करीबन 2 या 3 घंटा मिलता है, एंड शाम को करीबन 2-2.5 घंटे मिलते हैं। तो सुबह शाम का ट्रेनिंग होता है, और ये हो गई ट्रेनिंग की बात। फिर हमें इसे जॉय राइड के हिसाब से भी लोगों को देते हैं, जिनको सीखना नहीं है लेकिन एक मजा लेनी है ऊपर से कैसे दिखता है वसई विरार रीजन, बर्ड्स आई व्यू देखना हर किसी का इच्छा होता है, हवा में उड़ना है। सो उसके लिए प्रोविजन है, पहाड़ से करना हो तो भी पहाड़ से हम लोग टैंडम जॉय राइड करते हैं, उसको बोलते हैं टैंडम। टैंडम मतलब दो। ओके। तो एक पायलट होता है, एक पैसेंजर होता है। ओके। अपना पहाड़ वाला चीज एज वेल एज इसमें पैसेंजर को फ्रंट व्यू मिलता है। ओ, वाओ। पायलट पीछे होता है। तो फ्रंट व्यू में अपना पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है, और एक्सपीरियंस पायलट होने की वजह से आपको कुछ टेंशन नहीं है। तो पहाड़ से थोड़ा सा दौड़ के टेक ऑफ हो जाता है, लैंडिंग में भी दौड़ना पड़ता है,
लेकिन अगर आप ट्राइक पे बैठते हो तो बिल्कुल पहाड़ चढ़ना भी नहीं है, ग्राउंड टू ग्राउंड यहाँ पे गाड़ी अपनी ग्राउंड तक गाड़ी आ सकती है, कहीं बिल्कुल चढ़ना नहीं, यहाँ पे उतर के बैठ जाओ आप। टैक्सिंग के लिए दौड़ना नहीं है, ग्लाइडर ऊपर आ जाता है और स्मूथ टैक्सी करके अच्छी तरह से ग्राउंड से ऊपर बेसिकली आपका टेक ऑफ हो जाता है। लैंडिंग के टाइम भी बहुत स्मूथ हो जाता है, अपने नॉर्मल एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा स्मूथ होता है, क्योंकि इसमें हम लोग अच्छी तरह से ग्राउंड कंट्रोल करते हैं और बहुत बड़ी खुली जगह है। वी आर वेरी लक्की कि इतनी बड़ी खुली जगह है एक्टिविटी करने के लिए। सो अगर किसी को इसका हॉबी हॉबी या प्रोफेशन से करना है तो बोथ आर पॉसिबल एज अ हॉबी, लेकिन ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, बिकॉज खुद भी सीख सकते हैं लोग, लेकिन अभी फिलहाल ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। पुराने ज़माने में वीडियोज़ नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट अवेलेबल, सो एंड इंस्ट्रक्टर्स वर नॉट अवेलेबल। टुडे देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, सो सेफ्टी के हिसाब से अगर आप इंस्ट्रक्टर से सीखते हो तो यू विल सेव ऑन डैमेजेस टू द इक्विपमेंट एंड टू योर सेल्फ एज वेल, बट इट्स पॉसिबल टू लर्न ऑन योर ओन एज वेल। ऐसा नहीं कि खुद नहीं सीख सकते, बिकॉज यू कैन स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू गो थ्रू अ प्रोसेस, बिकॉज इंस्ट्रक्टर होगा, उसको एक्सपीरियंस होता है, वो सिस्टमेटिकली आपको उसको इंट्रोड्यूस करेगा विथ थियोरी एंड बैकग्राउंड नॉलेज। अपने आप सीखने को थोड़ा टाइम लगेगा एंड चांसेस ऑफ इक्विपमेंट डैमेज। दूसरा हो गया ट्रेनिंग ट्राइक के ऊपर, तो ट्राइक ट्रेनिंग में एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें इंजन आता है, उसका मेंटेनेंस आ जाता है और फ्यूल आ जाता है, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग कॉस्ट आर मोर, तो 50,000 रुपीज से लेके 1,00,000 तक अलग कोर्सेज है इसके। ये जॉयराइड के लिए ऑफकोर्स देर आर कॉस्ट इन्वॉल्व अबाउट ऑपरेशंस के कॉस्ट होते हैं, उस हिसाब से अगर स्टैंडर्ड रेट आप देखोगे इंडिया में पूरा, तो रफली हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से वी चार्ज अराउंड 2,500 एज अ बेसिक प्राइस। आप पहाड़ से उड़ रहे हो या मशीन से उड़ रहे, कॉस्ट सिमिलर है, और दैट इज़ अ मिनिमम कॉस्ट। टूरिज्म जैसे बढ़ेगा वहाँ पे शायद कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल तो 2,500 रुपीज़ में आपको 10 मिनट की फ़्लाइट मिलती है। पैराग्लाइडिंग जो पैरा मोटरिंग से करते हैं, इसमें सेफ्टी ज़्यादा होती है, बिकॉज हम लोग कम हवा रहती है तभी करते हैं, हवा बढ़ जाती है थर्मिक होते फिर नहीं करते, तो देर इज़ ऑटोमेटिकली अ सेफ्टी बफर। दूसरी बात है वसई विरार एरिया में इतना टूरिज्म नहीं है, तो हम लोग पूरा दिन नहीं करते, हम लोग दिन में करीबन 3-4 या 5 लोगों को जॉयराइड देते हैं। इसमें जो जॉयराइड देने के लिए भीड़ नहीं होती है, तो हमें स्ट्रेस नहीं होता है और सेफ्टी उसमें ज़्यादा हो सकती है। ओके, और अगर यदि आपसे कोई ये जॉयराइड लेना चाहे तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते? हमारे मोबाइल फ़ोन है, हमारी वेबसाइट है paraglidingmumbai.com, और व्हाट्सएप पे आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लोग शेयर करते हैं, लोकेशन का इन्फॉर्मेशन है, टाइमिंग का इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये वेदर और विंड के हिसाब से स्पोर्ट होता है एरो स्पोर्ट, तो हम लोग चेक करते हैं एक दिन पहले क्या प्रेडिक्शंस है, उस हिसाब से हम लोग बोलेंगे इस टाइम पर आ जाओ। तो यहाँ आने के बाद एक आदमी के लिए करीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो उसमें 10 मिनट का एयर टाइम होता है, बाकी प्रिपरेशन टाइम होता है। और अगर जैसे कोई सेरिमोनियल चीज़ हो, जैसे कोई, जैसे आजकल बहुत सारा ट्रेंड है प्री वेडिंग का ट्रेंड है, तो उसके लिए भी आप सर्विसेज देते हो सर? यस, इसके लिए हमारे 3-4 लोगों का ये किया है हम लोग ने, जहाँ पे हम लोग जो पैसेंजर है जिनको प्रपोज कर रहा है या कुछ है, उनको पता नहीं चलता है हमारा बैकग्राउंड प्रिपरेशन क्या है, तो इन टू द विंड हवे में ऊपर जाने के बाद वॉकिंग टॉकिंग के जरिए भी हो सकता है, या तो हम लोग ग्राउंड पे बिछा के रखते हैं वो डेटा वगैरह बना के, तो सडनली फ्लाइंग करने के बाद उस एरिया में लो फ्लाइंग करते हैं। दोस्तों ये सब सुन के अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने भी उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मुझे भी यहाँ पर एक फ्लाइट लेनी है। हालांकि 11 बजने आ चुके थे, लेकिन फिर भी उस दिन हवा थोड़ी शांत थी, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप भी एक ट्रायल ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है, आपको अच्छी तरह से हेलमेट और सीट बेल्ट सब पहना के यहाँ पर बैठना होता है, और आपके साथ में जो पायलट होते हैं यह भी काफ़ी एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट पायलट होते हैं, ये हर तरह की सिचुएशंस में कंट्रोल करने में माहिर होते हैं। तो चलिए वसई का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यह वीडियो हमने एक खास तरीके के कैमरे से निकाला है, जिसे 360 कैमरा कहते हैं। दोस्तों यह टेक ऑफ काफी स्मूथ था,
शुरुआत में मेरे मन में थोड़ा सा डर था, लेकिन जैसे ही हम एयरबॉर्न हो गए सारा डर निकल गया, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी जर्क नहीं लगते। और ये सब कुछ निर्भर होता है आपके पायलट की खूबियों पर। और यदि आप भी मेरे साथ उड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो का VR वर्जन भी हमने YouTube पे डाला हुआ है, जिसे आप अपने VR हेडसेट को पहनकर मेरे साथ उड़ने का मज़ा ले सकते हो। तो यदि आप उसे देखना चाहो तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में शेयर की हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर से ये जो पीर बाबा की दरगाह है ये कितनी छोटी सी नजर आती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे वैसे ही नीचे का नज़ारा देखने का मज़ा कुछ और ही था दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, मैं प्लेन में भी बैठा हूँ, हेलीकॉप्टर में भी बैठा हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ा इसमें बैठने में आया, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को एक बिल्कुल पंछी की तरह समझते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे आप खुद पंछी हो और आप आसमान में उड़ रहे हो। जो चीज़ हम अक्सर नीचे से देखा करते हैं, जब हम उसे ऊपर से देखते हैं और इस तरह खुली आँखों से, तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है दोस्तों। और यह मज़ा लेने के लिए आपको यह पैराग्लाइडिंग या पैरामोटरिंग ज़रूर करनी चाहिए। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो, हम समुंदर की तरफ बढ़े जा रहे थे। अभी आपके सामने यह जो बीच है, यह यहाँ का वसई का बहुत ही फेमस भुईगांव बीच है, जहाँ पर काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, आज तक इस तरह बीच के ऊपर उड़ने का आनंद मैंने कभी नहीं लिया था और इसको बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। वहीं पर जब मैंने देखा कि कुछ सीगुल बर्ड्स हमारे साथ में उड़ रहे थे, और ये हमने अभी भुईगांव बीच क्रॉस कर लिया है और सामने की तरफ अभी दूसरा बीच है। दोस्तों, उड़ते उड़ते हम पानी के काफ़ी नीचे तक आ गए थे और यह जो अभी आप देख रहे हो ये यहाँ का कलम बीच है। यह भी टूरिस्ट लोगों में काफ़ी पॉपुलर बीच है। वैसे तो ये फ्लाइट काफ़ी बड़ी थी, यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ पार्ट कट कर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यह वीडियो वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप इसमें बोर भी हो जाओगे। लेकिन इसी वीडियो का फुल वर्जन, यानी कि पूरा 17 मिनट का वर्जन मैंने यूट्यूब में 360 फॉर्मेट में डाला है, जो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के द्वारा क्लिक करके देख सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, उस वीडियो को देखने में भी आपको पूरा मजा आएगा, आप वीडियो को आखिर तक देखे बिना रह नहीं पाओगे। दुनिया ऊपर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे घर, और उसमें अगर कोई खूबसूरत घर या बंगला, जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमारे नीचे एक स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है, वैसा कुछ दिख जाए तो उसकी तो बात ही अलग है दोस्तों।
वाकई में यह दुनिया ऊपर से देखने में एक बिल्कुल जन्नत की तरह नजर आती है। दोस्तों इस फ्लाइट के बाद तो अब मैंने मन बना लिया है कि अभी मुझे तो यह एक्टिविटी ज़रूर सीखनी है, क्योंकि अभी सिर्फ उड़ के यह मज़ा ले लिया है, अभी एक बार में पेट नहीं भरने वाला। अभी यह मज़ा बार बार लेने के लिए मुझे भी यह एक्टिविटी सीखनी है और मैं इसके लिए डिसिल्वा सर से कंसल्ट भी करने वाला हूँ और आगे क्या क्या इसके प्रोसेस है जैसे उन्होंने बताया वो सारे फॉलो करके अब मुझे खुद भी यह एक्टिविटी सीखनी है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको हमारे इस वीडियो में मज़ा आया होगा, क्योंकि अभी हम लैंड करने जाने वाले हैं और लैंड करते ही हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यदि आपको इस एक्टिविटी के रिलेटेड और कोई भी सवाल हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स डाल दी है, और फिर भी यदि आपको और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों डिसिल्वा सर का नंबर, उनके ऑपरेटर्स का नंबर, उनकी वेबसाइट, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने हमारे चैनल पर कुछ नया करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको यह ज़रूर पसंद आया होगा। और आगे भी अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहें तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियोस को अपने मित्रों के साथ एवं रिश्तेदारों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो बने रहिएगा दोस्तों डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।